केरल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे ईडी द्वारा 5 दिनों तक पूछताछ को एक मेडल के रूप में देखते हैं। इसी के साथ कांग्रेस नेता ने कहा है कि राहुल गांधी ने कहा है कि जो इनके विचार के खिलाफ होता है उसके पीछे मीडिया, ईडी, सीबीआई और पुलिस लग जाती है। इसके अलावा उन्होंने भाजपा और पीएम मोदी पर हर रोज देश में नफरत फैलाने का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें तो वहीं राहुल गांधी का कहना है कि जो कोई भी इनके विचार के खिलाफ होता है उसके पीछे ईडी, सीबीआई और पुलिस लगा दी जाती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 3 दिन के केरल दौरे पर हैं और वहां बीते शनिवार को वायनाड में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने यह बात कही। उन्होंने वायनाड में ईडी को लेकर बयान दिया और इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सोचती है मुझसे 55 से 60 घंटे तक बार बार एक ही सवाल पूछने से मैं चिंतित हो जाऊंगा। इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। मैं सोच रहा था कि मुझसे सिर्फ 5 दिन ही पूछताछ क्यों हुई, 10 दिन क्यों नहीं। मैं अपनी 5 दिनों की पूछताछ के लिए एक मेडल के रूप में देखता हूँ। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार आए दिन नफरत फैला रही है। लोगों की आवाज़ का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे संस्थानों पर भाजपा और आरएसएस द्वारा हमला किया जा रहा है। जो कोई भी विचारधारा के खिलाफ खड़ा है उन्हें ईडी, सीबीआई और पुलिस द्वारा निशाना बनाया गया। उन्हें लगता है कि वे लोगों को डरा सकते हैं जो उनकी विचारधारा से सहमत नहीं है। इसी के साथ उन्होंने सीपीएम पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा और सीपीएम दोनों के बीच में अच्छी समझ है। वही इस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि केरल के सीएम पर केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी के जरिए कोई कार्यवाही नहीं करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों के बीच आपसी समझ है। वही इस दौरान राहुल गांधी ने देश की अर्थव्यवस्था और जीएसटी पर भी सवाल उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।